ऑल राइट, सो टॉपिक जो कल उन्होंने थोड़ा सा कंटिन्यू किया था उसको मैं पहले समराइज करता हूँ, फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और एट सो स्क्रीन पर सभी लोग देखना, लास्ट क्लास में या फिर आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है यूट्यूब ऐड। आप सभी लोग यूट्यूब जब चलाते होंगे तो वहाँ पर ऐड आते हैं, वो ऐड कैसे रन किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर जो ऐड आते हैं जो आप लोग देखते होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐड होते हैं, जैसे कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, कुछ ऐड्स ऐसे होते हैं जो स्किप नहीं होते हैं। उसके साथ ही कुछ ऐड ऐसे आते हैं जो YouTube में सर्च करने पर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, ये भी ऐड हैं जिनमें ADR लिखा हुआ है। तो ये सभी ऐड हो गए, इनको भी बोलते हैं इन डिस्कवरी ऐड, डिस्कवरी मतलब सर्च करने पर जो ऐड आया। कुछ ऐड यूट्यूब के बाहर भी आते हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स के ऐड कैसे रन किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ, जो ऐड स्किप हो जाते हैं उन ऐड्स के लिए YouTube हमसे कोई चार्ज नहीं करता है अगर किसी ने आपके ऐड को स्किप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऐड, जैसे मैंने मान लेते हैं वीडियो ओपन किया और यहाँ पर देखो एक ऐड आने लगा और इस ऐड को मैं अभी स्किप कर दूँगा, स्किप कर दिया मैंने, तो उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका वो ऐड आ रहा था उसने एक रुपये भी यूट्यूब को नहीं दिए होंगे। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है कि जो ऐड स्किप हो जाता है उसके लिए YouTube आपसे कोई चार्ज नहीं करता है, जो ऐड स्किप नहीं होता उसके लिए तो चार्ज करता ही करता है। स्किप वाले ऐड में आपसे चार्ज तब करता है जब कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है या फिर आपके ऐड को कंप्लीट वॉच करता है, जो भी 1-2 मिनट्स का वीडियो उसको अगर कोई वॉच करता है देना वो आपसे चार्ज करता है। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, वॉइस नहीं आ रही थी, बता देना चाहिए था। सो होपफुली अभी वॉइस आ रही होगी आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, साउंड ऑफ कर लीजिए ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड है। सो वंस अगेन, अभी मैंने ये बस इतना डिस्कस किया कि यूट्यूब में 2 टाइप्स के एड्स होते हैं। अभी भी किसी का माइक ऑन है? इसका ऑन है, हो गया ऑफ। तो यूट्यूब में 2 टाइप्स के एड्स होते हैं, एक होते हैं स्किप और दूसरे होते हैं नॉन स्किप। ऑफ नहीं हो रहा है क्या? इधर दिखा दो आगे, मैं ऑफ कर देता हूँ। इधर ले आओ मोबाइल में बता देता हूँ। ओके, सो ऐड होते हैं कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो स्किप नहीं होते हैं। उसके अलावा इन डिस्कवरी ऐड होते हैं जो YouTube में सर्च करने पर आते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो ऐड स्किप हो जाते हैं उनमें YouTube आपसे रुपए नहीं लेता है, अगर कोई आपके ऐड को कंप्लीट देखता है या फिर वो आपके ऐड पर क्लिक करता है तो YouTube आपसे रुपए लेता है। ओके, अब ये ऐड रन करने के लिए आपको गूगल एड्स नाम का एक जो टूल है उसकी हेल्प लेनी होती है। जैसे आगे चल के जब आप लोग जॉब करेंगे तो आपका ये काम होगा, ये वर्क आपको दिया जाएगा कि आपको इस कंपनी के ऐड गूगल पर या यूट्यूब पर चलाने हैं। तो यूट्यूब पर ऐड चला करके कंपनीज़ को उनकी अवेयरनेस होती है, उनको कई तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग होती है, इसलिए कंपनीज़ यूट्यूब पर अपने ऐड को रन करती हैं। और यूट्यूब पर ऐड रन करने के लिए कंपनीज़ को रुपए देने पड़ते हैं। वैसे तो यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, अगर किसी कंपनी को किसी चैनल में अपना ऐड चलाना है तो ये जो ऐड यहाँ पर आते हैं उसके लिए पे करना होता है। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट अपने अगले पार्ट में कि ये ऐड रन करने के लिए आपको गूगल एड्स पे जाना है और यहाँ पर साइन इन करना है।
और यहाँ पर आने के बाद अपने ऐड को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी समझते हैं कि ऐड कैसे रन किया जाता है। सो यूट्यूब पर ऐड रन करना हो या गूगल पे ऐड रन करना हो, उसके लिए हमें यहाँ पे कैंपेन बनाना होता है, और कैंपेन के बाद आपको ऐड सेट बनाना पड़ता है, फिर आपको ऐड बनाना होता है। ये टोटल 3 स्टेप्स होते हैं आपके ऐड के, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। ओके, सो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे कौन सा स्टेप किया जाता है। आप यहाँ पर आएंगे गूगल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पर। कैंपेन में आपको यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल। ये स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आपको यूट्यूब पर ऐड चलाना है देन वीडियो कैंपेन आपको सिलेक्ट करना होगा, और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करके अगले स्टेप पर आ जाएंगे। ओके, सो कैंपेन जो बनता है आपका, उसका नाम होता है वीडियो कैंपेन। आपको वहाँ पर दिखेगा कैंपेन में ऑप्शन, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब कैंपेन में आपको कुछ और बातें बतानी होती हैं, जैसे कि आप जो ऐड रन करने वाले हैं उस कैंपेन का नेम क्या है। तो नेम आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया माई यूट्यूब ऐड। आपका जो यूट्यूब का ऐड बनेगा वो यूट्यूब पर रन होगा, ये मैंने इसका नेम दे दिया। फिर आपको यहाँ पे बजट देना होता है कि जो आप ऐड चलाएंगे उसमें क्या बजट है आपका। तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया कि मेरा बजट है 2000 रुपीज़ का डेली बजट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऐड में बताना पड़ेगा लोकेशन कौन सी है, जिस लोकेशन में आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं सिर्फ और सिर्फ नोएडा में ऐड चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने नोएडा लोकेशन को टारगेट कर लिया, तो नोएडा में रहने वाले लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। बाकी सब में आपको कुछ नहीं करना है, और आपको अगले स्टेप में आ जाना है जिसका नाम है ऐड ग्रुप। तो पहला स्टेप तक कैंपेन नोट भी करते जाना। कैंपेन में आपको बताना होता है वीडियो कैंपेन, उसके अलावा आपको बताना होता है अपना बजट कितने रुपए के आप ऐड चलाएंगे, और अपनी लोकेशन किस लोकेशन पर आप अपना ऐड चलाएंगे। तो वीडियो, बजट और लोकेशन, ये 3 बातें आपको कैंपेन में बतानी होती हैं। फिर सेकेंड स्टेप होता है, इसका नाम होता है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप में आपको ये बताना होता है कि जो ऐड आप चलाएंगे वो जिन लोगों को दिखेगा यूट्यूब में, उनकी एज क्या होगी, उनका जेंडर क्या होगा, पेरेंटल स्टेटस क्या होगा, और हाउस होल्ड इनकम क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने जेंडर ले लिया मेल, फीमेल या अननोन, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सभी को मेरा ऐड दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉलेज के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जिनकी एज 18 से 24 है सिर्फ उन्हें मेरा ऐड दिखे, बाकी लोगों को मेरा ऐड ना दिखे। या आप सपोज़ किसी स्कूल के लिए ऐड चला रहे हैं, तो बच्चों का जो स्कूल है मैं चाहता हूँ उनके पेरेंट्स को ऐड दिखे, तो मैं यहाँ पर 25 से 34 भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैंने 18 से 24 ले लिया। पेरेंटल स्टेटस में जो पेरेंट्स हैं या नहीं है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। हाउस होल्ड इनकम वाला जो ऑप्शन है, हेलो, हाँ बताओ, अभी आएंगे शाम को 6:30 7 बजे तो बात करेंगे, अभी तो पोस्टपोन है। अभी तुम कहाँ पर हो? ठीक है, अभी फिर बनाई कर दो तुम। और यहाँ पर देखो हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन आ रहा है। ये जो हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन आता है ये अपने यहाँ इंडिया के लिए नहीं होता है। आप देखोगे ऑप्शन होता है यूएसए, यूके वगैरह के लिए। इसका मतलब होता है कि जिस पर्सन को ऐड दिखेगा उसकी फैमिली की जो इनकम है वो उस कंट्री की इनकम के किस परसेंटेज में है। तो इसको आप कोई टच करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं फिर से बताता हूँ, ऐड बनाने में जो सेकेंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं ऐड सेट, जिसमें आपको बताना होता है कि जिस पर्सन को ऐड दिखेगा उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, और उसका पेरेंटल स्टेटस क्या होगा। इसके अलावा सेकेंड स्टेप ऐड सेट में आप ये भी बता सकते हो कि जो पर्सन आपका ऐड देखेगा वो किस चैनल को चला रहा हो, या किस पर्टिकुलर वीडियो में आपका ऐड दिखेगा, या आप कीवर्ड्स भी बता सकते हो। स्क्रीन पर देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कीवर्ड्स, टॉपिक और प्लेसमेंट। प्लेसमेंट वर्ड ये जो लिखा हुआ है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है यूट्यूब ऐड में। प्लेसमेंट का मतलब होता है जो ऐड आप चलाने जा रहे हैं वो जिसको दिखेगा वो कौन से चैनल में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का अगर कोई चैनल चला रहा हो तो उसमें मेरा ऐड दिखे। तो मैंने लिखा विवेक बिंद्रा, उनका नाम अभी आ नहीं रहा है। आप चाहें तो लिंक कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उनके चैनल का। ये काफ़ी पॉपुलर चैनल है, मैं चाहता हूँ नोएडा में रहने वाले लोगों को जब वो ये चैनल यूज़ कर रहे हो तो उनको मेरा ऐड दिखे। तो मैं उनके चैनल का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
देखो डॉक्टर वीरेक बिंद्रा के चैनल में मेरा ऐड देखेगा, या किसी पर्टिकुलर वीडियो में आप चलाना चाहते हो, जैसे कॉलेज चाहता है कि अगर कोई सर्च करे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, तो सबसे ऊपर जो ऐड वीडियो आता है वो इनका आता है, वेदांतु मैथ करके कोई पढ़ाते हैं, तो इनका मैंने क्या किया वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया। अब इस वीडियो को कोई ओपन करेगा तो मेरा ऐड भी दिखेगा, सिर्फ मेरा ही नहीं दिखेगा और भी लोगों को दिखेगा, लेकिन कई लोगों को मेरा ऐड भी यहाँ पर दिखेगा इस तरीके से। तो आप ये प्लेसमेंट्स बता सकते हो कि आपका ऐड जो लोगों को दिखेगा कौन कौन से चैनल में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके सो आप यहाँ पे चैनल वगैरह बता सकते हो, इसके अलावा आप कीवर्ड्स बता सकते हो। कीवर्ड्स का मतलब होता है जो लोग आपके ऐड को देखेंगे वो लोग यूट्यूब पर कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ देख रहे हो। जैसे एक एक वीडियो बताना बहुत कठिन काम है, तो मैंने कहा कि जितने भी वीडियोज़ हैं जिनमें टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया गया हो, इन सभी वीडियोज़ में मेरा ऐड दिखे, सब जितने भी वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने वो कीवर्ड दे दिया। ऐसे ही आप 10-15 और कीवर्ड्स भी दे सकते हैं कि अगर कोई यूट्यूब पर ये वाला कीवर्ड सर्च करे तो उसको मेरा ऐड दिखे। ओके, आप चाहो तो यहाँ से और कीवर्ड्स के लिए क्लिक करोगे, इस जगह पर आप एक कीवर्ड लिखोगे आपको और कीवर्ड्स बता देगा कि लोग ये भी सर्च करते हैं, एडमिशन इन बीटेक कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग, बीकॉम, और ये अलग अलग कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च करते हैं। डन। इसके बाद बिड में हम लोग आ जाएंगे, और बिड में यहाँ पर क्या कॉस्ट दिखेंगे, जैसे कॉस्ट पर व्यू की बात आ रही है तो ये बिड वर्ल्ड आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा बिड के बारे में बता देता हूँ, वैसे तो आपको ये टॉपिक आगे अलग से पढ़ाएंगे। बिड का मतलब होता है कि एक पर्सन जो आपका ऐड देखेगा वो आप मैक्सिमम कितने रुपए तक दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक पर्सन को ऐड दिखाने तक 2 रुपीज़ तक पे कर सकता हूँ, उस पर्सन को नहीं पे करना है, यूट्यूब को पे करना है। अभी आप फिलहाल बिड वर्ल्ड यहाँ पर दिखे वहाँ पर 2 रुपीज़ लिख देना बस। आगे आप बिड टॉपिक अलग से पढ़ोगे क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी डिटेल है। अब आते हैं ऐड बनाने के तीसरे स्टेप में, दैट इज़ ऐड। तो पहला स्टेप था जिसका नाम था कैंपेन, उसमें आपने क्या क्या बताया, वीडियो, बजट और लोकेशन। सेकेंड स्टेप का क्या नाम था, ऐड सेट। ऐड सेट में आपने क्या बताया, एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, कीवर्ड्स और चैनल्स वगैरह के नाम, जिसको हम लोग प्लेसमेंट भी कहते हैं। और तीसरा स्टेप है ऐड। ऐड वाले स्टेप में आप ये बताओगे कि आपका कौन सा वीडियो लोगों को दिखेगा, जब कोई वीडियो आपके पास होगा ना जो कि ऐड में चलेगा, तो वो कौन सा वीडियो होगा वो आपको बताना होगा। अब यहाँ पर होता क्या है यूट्यूब में कि वो जो वीडियो आप ऐड में चलाना चाहते हो, पहले वो वीडियो आपको अपने चैनल में अपलोड करना पड़ेगा और फिर उसका लिंक यहाँ पर आपको देना होगा। तो जैसे मान लेते मेरी कंपनी ने एक 30 सेकेंड का छोटा सा वीडियो बना रखा है, जैसे जोमेटो वगैरह के छोटे छोटे ऐड्स होते हैं, मैं आपको एक दो ऐड में एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 36 सेकेंड का मेरे पास एक वीडियो है, तो ये जो मेरे पास वीडियो है इसको पहले इन्होंने चैनल में अपलोड किया है, ये देखो यहाँ पर चैनल में इन्होंने अपलोड किया है, प्लस पे जाकर के ये अपलोड वीडियो किया जाता है। तो आपके पास जो वीडियो होगा उसको यहाँ पे अपलोड करो, फिर उसका यहाँ से लिंक कॉपी करो और यहाँ पे जाकर के कर दो पेस्ट। सो दिस इज़ डन। और ये देखो मेरा ऐड इस तरीके से चलने लगेगा। मैं किसी का भी ऐड चला सकता हूँ, जिसने किसी और ने भी अपलोड किया उसको भी हम लोग ऐड की तरह चला सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ऐड यूट्यूब पर दिखेगा, लैपटॉप पर ऐसा दिखेगा और बाकी टीवी वगैरह में ऐसा दिखेगा, और 5 सेकेंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई इस वीडियो पर क्लिक करेगा तो आप देखोगे डायरेक्ट प्ले स्टोर में जोमेटो की ऐप ओपन हो जाती है, या फिर आप कोई वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कोई इस पर क्लिक करे तो zomato.com ओपन हो जाए, जो मेरी वेबसाइट है। और यहाँ पे जैसे आपको मैं एक दो ऐड और दिखाता हूँ, जैसे देखो कोई ऐड आ गया है स्क्रीन पर, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो विजन प्रॉफिट करके कोई वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी। कई बार यहाँ पे ये भी लिखा होता है क्लिक नाउ या ओपन नाउ, इस तरीके से अभी तो नहीं लिख करके आ रहा, लेकिन अगर लिख के आ जाए तो मैं आपको दिखा पाता। अभी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देखो कि समझ जाओगे। आप चाहो तो यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हो, जहाँ जोमेटो लिखा हुआ है वहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करो और कोई भी बटन लगा लो, जैसे लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, बाय नाउ, कोई भी बटन लगा सकते हो। जैसे मैंने दे दिया ऑर्डर नाउ की बटन, ये देखो जोमेटो ऑर्डर नाउ की यहाँ पर बटन आ गई। और आप हेडलाइन लिख दो ऑर्डर फूड, या कुछ भी आप लिख दो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से भी आपका ऐड यहाँ पर बन जाता है। फिर आपका ऐड कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दो एंड दिस इज डन। तो ये सिंपल सा मेथड था हमारा ऐड बनाने का।
ऐड बनाने का जो लास्ट स्टेप था उसमें आपको एक वीडियो और अपनी वेबसाइट का लिंक और एक बटन देना होता है, बटन को कॉल टू एक्शन बोला जाता है, CTA, और हेडलाइन भी देनी होती है। तो ये थे हमारे 3 स्टेप यूट्यूब पर ऐड चलाने के, वीडियो, बजट, लोकेशन, एज, जेंडर, कैंपेन, एड सेट और ऐड। एक बार मैं तीनों स्टेप फिर से आपके सामने करके दिखाता हूँ तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। बड़ा सिंपल सा ऐड होता है ऐड बनाना। वापस से हम लोग आते हैं गूगल एड्स पर, और ऐड बनाने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से आप यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद जैसे अगर आपको नॉन स्किपेबल ऐड चलाना तो आप कौन सा ऑप्शन ले लेंगे, नॉन स्किपेबल ऐड। अगर आपको सभी ऐड चलाने हो जैसे स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कौन सा ऑप्शन लेते हैं, ऐड सीक्वेंस। ऐड सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप आ जाइए, लैपटॉप ले आओ, ऐड कर देते हैं। अच्छा भी बचा हुआ ना, बाद ऐड करते हैं, ऑफिस में हो ना, जा रहे हो, ठीक है, 8 बजे तक ओपन है, 8 बजे रात तक कर लीजिए, आप मोबाइल पे कनेक्ट कर लीजिए। क्लासरूम लोग इधर ही कर लेंगे अभी कुछ दिनों में। ओके, लीडी यहाँ पे प्रोजेक्टर लगवा दिया जाएगा तो आगे सुटेबल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो तो पब्लिश नहीं हो पाएगा। ओके, सो आप इनमें से कोई भी ऐड का टाइप ले सकते हो, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर, जैसा भी आप चलाना चाहो। और नॉन स्किपेबल ऐड मैक्सिमम आपका 15 सेकंड का होना चाहिए। स्क्रीन दिख रही ना, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ऐड बनाने के वही सिंपल से 3 स्टेप्स हैं आपके, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। ओके, तो कैंपेन वाले स्टेप पर आपको कैंपेन का नेम बताना, जैसे मैंने दे दिया इस बार बम्पर ऐड। बम्पर ऐड वो वाले ऐड होते हैं जो स्किप नहीं होते हैं, उनको बम्पर ऐड भी बोलते हैं। ये वर्ड जरूर आप याद रखना, बम्पर ऐड कई जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है नॉन स्किपेबल ऐड। ओके, तो यहाँ पर आप अपना फिर बजट बताओगे सेकेंड स्टेप पर, जैसे 500, 1000 जो भी आपका बजट है। लोकेशन आप बताओगे, ऐड किस लोकेशन में चलाना है, पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप ऐड ग्रुप होता है जिसमें आप क्या क्या बताते हो, एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस, ये सभी बातें, और आप बताते हो अपना प्लेसमेंट कि किस जगह पर आपका ऐड चलेगा, कौन कौन से वीडियोस में और कौन कौन से कीवर्ड्स में आपका ऐड दिखेगा। इसके बाद फिर आप अपना बिडिंग लगा देते हो, कितने रुपये तक मैं मैक्सिमम पे कर सकता हूँ, और लास्ट स्टेप में आप अपने वीडियो का लिंक दे देते हो जो आपको ऐड में रन करना है। तो ये सिंपल सा मेथड है ऐड को चलाने का, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। अब ऐड ये 3 स्टेप्स के बाद आपका लाइव नहीं होगा, लोगों को नहीं दिखेगा जब तक आप बिलिंग नहीं कर लोगे। ओके, सो बिलिंग कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, वो आप और देख लो स्क्रीन पर। बिलिंग करने के लिए गूगल ऐप्स में आप आओगे, यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग पे जाओगे और बिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बिलिंग ऑप्शन पे यहाँ पे समरी पे जाओगे, और यहाँ पर आप देखोगे पेमेंट के कई अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर दोगे, आपकी कंपनी आपको पे करेगी या फिर आप डायरेक्ट भी पे कर सकते हो, और इस तरीके से आपका ऐड बनता है। तो ये बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि ऐड चलाने के लिए आपको पे करना होता है, यूट्यूब को देना, रुपये देने होते हैं, और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनी की अर्निंग वहीं से होती है। और कंपनीज़ को रुपये दे करके ऐड चलाने से क्या मिलता है, क्या मिलता है, हाँ, लोग उनको जानते हैं, उनको न्यू कस्टमर्स मिलते हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात। जोमेटो को ऐसे लोग कैसे जानते हैं, आपने हर जगह जोमेटो के बैनर, पोस्टर देखे होंगे, यूट्यूब पे ऐड देखे होंगे, तभी तो आप जोमेटो को जानते हैं। तो इस तरीके से, नहीं तो जोमेटो जैसी सैकड़ों ऐप चलती हैं जिससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, उनको आप नहीं जानते होंगे। ओके, सो ये बेसिक 4 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे।
कैंपेन एड सेट ऐड और बिलिंग। नेक्स्ट आते हैं, अब ऐड में आपने पेमेंट कर दिया, ऐड आपका चल भी गया, उसके बाद आप स्क्रीन पे कनेक्ट हो गए, नहीं कनेक्ट हो पा रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक ठीक, अब आपके वाले में आ गया होगा। नियाल वाइज बाकी लोग क्लियर है, अपनी डिवाइस चेक करो, साउंड ऑफ कर लीजिएगा, डन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट आते हैं, आपने एक ऐड बनाया, ऐड बनाना मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप सभी को मैं भी शेयर कर दूंगा। फिर मैंने आपको बताया पेमेंट कैसे होनी है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेप पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ऐड बनाने के बाद जब लोग आपके ऐड को देखेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, रिपोर्ट्स बोलते हैं इसको। ऐड देखने के बाद उसमें कितने लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास कितने कस्टमर्स आए, ये सारी बातों को आप चेक करते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए रिपोर्ट्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। ये सारी बातें आपको ये PPTs और वीडियोज़ में मिल जाएंगी, ये सब मैं एक साथ शेयर आपसे कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स में, कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, कैसे उनको चेक करते हैं। ऐड रन करने के बाद सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी है, इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा है, ओके। 10,000 लोगों ने देखा, 20,000 लोगों ने देखा, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेशंस। ऐड देखने के बाद कितने लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया, ज़्यादातर लोग तो स्किप कर देते हैं लेकिन कुछ लोग क्लिक भी करते हैं, इसको बोलते हैं क्लिक्स। कितने एड्स में आपके क्लिक्स आए, क्लिक करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है गूगल आपसे रुपए लेता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, CPC। CPC वर्ड कभी भी सुनना, इसका मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, ऐड पर कितनी कॉस्ट आपकी आ रही है। कौन मांग रहा है, इम्प्रेशंस, क्लिक, CPC, ये तीन बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं दिखाता भी हूँ कि सारी चीज़ों को आप कहाँ पे चेक कर पाते हैं। तो ये देखो गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको ये सभी मैट्रिसेस दिखती हैं। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे क्योंकि इस वाले अकाउंट में कोई ऐड रन नहीं हुआ, अभी मैं आपको कुछ ऐसे भी अकाउंट दिखाऊंगा जिनमें पहले ऐड रन हो चुके हैं। एक मिनट वेट करिएगा, तो टॉपिक पे वापस से आते हैं। ये ऐसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली मैट्रिक्स कौन सी है, इम्प्रेशंस। ये जैसे शो हो रहा 2.12 मिलियन, मतलब लगभग 21 लाख लोगों ने मेरे ऐड को देखा है। क्लिक्स का मतलब उसमें कितने क्लिक्स आए, सभी लोग क्लिक करते नहीं, ये एक ऐड की बात नहीं हो रही, कई सारे ऐड की बात हो रही है। जैसे मैं आपको कैंपेन से अगर दिखाता हूँ, ये देखो अलग अलग कंपनीज के ऐड यहाँ पे बने हुए हैं, इनमें से कुछ यूट्यूब ऐड और भी दूसरे ऐड हैं। ओवरऑल आप बात इतनी समझिए कि ऐड चलाने के बाद आपको ये सब चेक करना पड़ता है, नहीं तो कंपनी क्यों मानेगी कि आपने उनका ऐड चलाया भी है। जैसे शताब्दी प्लाई कोई कंपनी, उसका ये ऐड चला हुआ है, तो उसमें इंप्रेशंस कितने आए, 14,000। क्लिक्स कितने आए, 240। 14,000 लोगों ने ऐड को देखा लेकिन क्लिक किया सिर्फ 240 लोगों ने। हर क्लिक पर एवरेज CPC कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, 2.85 रुपीज़, और टोटल कॉस्ट कितनी आई, 684 रुपीज़। तो फोर्थ मैट्रिक्स नोट कर लीजिए,
कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई एड को रन करने में। इम्प्रेशंस, क्लिक, सीपीसी और कॉस्ट, ये सभी मैट्रिसेस आप चेक कर सकते हैं। ऐड रन करने के बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो ऐड आप चला रहे थे वो कौन कौन से वीडियोस में आपका ऐड चला है। प्लेसमेंट्स बोलते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं मेरा ऐड चला, उसको कई लोगों ने देखा, अब मुझे ये जानना है कौन कौन से चैनल से मेरा ऐड चल रहा था, तो यहीं पर साइड में ही ऑप्शन आता है आपका ये। आप यहाँ पे साइड में देखोगे कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, ऑडियंसेस का ऑप्शन आ रहा है, यही साइड में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर कंटेंट में प्लेसमेंट करके। सो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका ऐड कौन कौन से वीडियोस में रन हुआ है। गॉट इट? सी वेयर योर एड्स अपीयर। तो अभी हो सकता है इस वाले में कोई ऐड ना चलाओ, नहीं तो यहाँ पे दिखता है कि कौन कौन से जगहों पे आपका ऐड रन हुआ है। सो इम्प्रेशंस, क्लिक, सीपीसी, कॉस्ट, प्लेसमेंट। इसके अलावा एक मैट्रिक्स और है सीपीवी। जैसे सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, वैसे एक मैट्रिक्स होती है कॉस्ट पर व्यू। मान लेते किसी ने आपके ऐड को क्लिक तो नहीं किया लेकिन उसने कंप्लीट ऐड को देख लिया तो भी आपसे रुपए लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर व्यू। और एक लास्ट मैट्रिक्स और आप देख लो, व्यू रेट। आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि ऐड रन करने में क्या होता है कि जो स्किप वाले ऐड होते हैं अगर कोई उनको स्किप कर देता है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। ये तो बात हुई थी ना। हेलो हेलो कैसे क्लास में ओके सो स्किप वाले जो ऐड होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपके ऐड को स्किप कर देता है तो गूगल आपसे कोई चार्ज नहीं करता है। तो एज एन एडवर्टाइजर आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके ऐड को स्किप करें या कंप्लीट देखें? क्योंकि स्किप करने से आपको, ये तो बात सही है, कोई चार्ज नहीं पड़ता है लेकिन आपको कुछ मिलता भी तो नहीं है ना। आप तो यही चाहोगे कि लोग ऐड को देखें, आपकी वेबसाइट पर जाएं, आपके प्रोडक्ट को बाई करें। तो अगर किसी ने आपके ऐड को देखा और स्किप नहीं किया तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर व्यू, क्लिक नहीं। और व्यू रेट होता है कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने स्किप नहीं किया। व्यू रेट एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब ये होता है व्यूज अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। व्यू रेट आपको ये बताता है कि कितने परसेंट लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके ऐड को देखा। मान लेते मेरे ऐड को 1000 लोगों ने देखा लेकिन उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे ऐड को कंप्लीट देखा, तो मेरा व्यू रेट कितना आ जाएगा? 10%। ये बात समझे आप? 100 लोगों ने मेरे ऐड को यूट्यूब पर देखा और 90 लोगों ने क्या कर दिया? स्किप कर दिया, जैसा सभी लोग करते हैं। ये नॉर्मली सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे ऐड पर क्लिक किया या फिर उसको कंप्लीट देखा। इसको हम लोग बोलते हैं व्यू रेट। तो ये कुछ बेसिक मैट्रिसेस हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। डन। अब आगे बढ़ते हैं YouTube ऐड में। अभी कुछ और भी बातें हैं जो एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। गूगल का जो सर्च ऐड हम लोग देख रहे थे उसमें भी सेम यही होता है कि जब आप कोई ऐड चलाते हो तो ऐड चलाने के बाद आप गूगल पर भी देखते हो कि आपके ऐड में कितने इंप्रेशंस आए, कितने CPC आया, क्या कॉस्ट आई, इन सभी चीज़ों को आप देखते हो। एक मैट्रिक्स और होती है गूगल वाले ऐड में जिसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रो रेट। जैसे व्यू रेट का फॉर्मूला था व्यूज अपॉन इम्प्रेशन, वैसे ही CTR या क्लिक थ्रू रेट का फॉर्मूला होता है क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। डन। सो CTR मतलब क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, इसका फॉर्मूला है। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रही होगी। तो ये मैट्रिसेस एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंटरव्यूज वगैरह में अक्सर पूछ ली जाती हैं, इंप्रेशंस क्या है, क्लिक क्या है, सीपीसी क्या है, कॉस्ट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कॉस्ट पर व्यू क्या है, व्यू रेट क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, सीटीआर का मतलब होता है कितने लोगों ने ऐड को देखा, उसमें कितने परसेंट लोगों ने ऐड पर क्लिक किया। सभी लोग क्लिक करते नहीं है, तो उसमें जितने लोग भी क्लिक करते हैं उसी का परसेंटेज ये बताता है कि 10% 5% कितने लोगों ने ऐड पर क्लिक किया। डन। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट की लास्ट क्लास में एक टॉपिक हम लोगों का स्किप हो गया था जो कि था ऐड एक्सटेंशंस। आप एक दो पेज जो लास्ट क्लास में थे देख सकते हैं, ऐड एक्सटेंशंस करके एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस हो पाया था, कंप्लीट डिस्कस नहीं हो पाया था, चार हो भी गए थे। ऐड एक्सटेंशन होता क्या, कोई बताना चाहेगा? जो लोग लैपटॉप पे कनेक्टेड है, हो सकता है उनके वाले नेट चला गया हो, तो आप अपने फोन से कनेक्ट कर लीजिए। आप आएंगे क्या? फोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर लो, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं प्रिया, वो मैंने अपने ऐड की नहीं लगाई। कनेक्ट कर लो सभी लोग जल्दी से, नेट अगर आ रहा हो तो कोई बात ही नहीं। आ रहा है नेट? या फिर आपके बॉडी पिक्चर से बढ़िया कैसे बढ़िया होगा नहीं है, वो तो बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आज ही जब इन्फॉर्म कर देंगे तो मंडे से बच्चों से जान जाएंगे। कन्फर्म नहीं डाला है एक्चुअली, वो अपना डेवलपमेंट देखते हैं, थोड़ा वो डेवलपमेंट क्या देखते हैं, जिस कॉलेज से बच्चे अपने आ रहा है उस कॉलेज में वो देखते हैं, तो एक मिनट वगैरह वो सब पढ़ाते होंगे, और बाकी तो हम लोगों को कराना है, यदि बच्चों को कोडिंग करा रही है और वो बच्चे अपने यहीं पर रहेंगे वापस से आते हैं टॉपिक पर। बेसिक बात यहाँ पे भी ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने गूगल पे आके सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो आप यहाँ पर देखोगे कई सारे ऐड जो चल रहे हैं उन सभी ऐड्स के नीचे इस तरीके के लिंक्स आ रहे हैं। ये देखो तो लिंक आ रहा है, इस लिंक को बोला जाता है साइट लिंक। ओके, अभी अगले 10-15 मिनट्स हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ऐड में ये इस तरीके के लिंक्स कैसे दिए जाते हैं, इसी को ऐड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। कई तरीके के ऐड एक्सटेंशन होती हैं। लास्ट क्लास में हमने कई ऐड एक्सटेंशन डिस्कस की थी, आज की क्लास में हम लोग पहले ये तो कौन कौन से डिस्कस हो चुकी हैं, कॉल हो चुकी थी और स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी वही थी जो नीचे आती थी ऐड के डिस्क्रिप्शन के। फिलहाल आप देखो साइडलिंक एक्सटेंशन कौन सी हैं, और जो लोग लास्ट क्लास में नहीं कनेक्टेड थे उन सबको ये वीडियोज मिल जाएगा। अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है गूगल एड्स की, तो वो वीडियो आप देख लोगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इन केस नहीं आते तो मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा, कुछ ऐसा इस सब चीज़ों में टेक्निकल नहीं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो आ जाएगा। सो, ये जो एक्सटेंशंस हैं जो ऐड के नीचे आ रही है ये कैसे आती है ये आप स्क्रीन पर देखिएगा। वापस से मैं एक नया ऐड बनाने जा रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप फिर से देखते हैं। ऐड बनाने के लिए आप न्यू कैंपेन बनाओगे, न्यू कैंपेन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप ले लोगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सर्च ऐड, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अभी नहीं सिलेक्ट हुआ, सर्च ऐड पे क्लिक किया, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड का कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने दे दिया गूगल ऐड या कुछ भी नेम दे दो, आपको ही दिखता है, किसी और को नहीं दिखता है। बिडिंग मैंने आपको कह रखा है इग्नोर कर दिया करो, आने वाले टाइम पे एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। डिस्प्ले पे एंटिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
लोकेशन पे आपको यहाँ पर लोकेशन लेना है जिस लोकेशन पे आप ऐड रन करना चाहते हो, इंडिया कानपुर या जिस भी लोकेशन में आप ऐड चलाना चाहते हो। ऐड ग्रुप वाले स्टेप पर आपको वो कीवर्ड्स बताने होते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स में आपका ऐड रन होगा। मान लेते हैं मुझे ऐड रन करना है स्कूल के लिए, तो यहाँ पे लोग स्कूल के लिए क्या सर्च करते हैं, बेस्ट स्कूल इन कानपुर। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी कीवर्ड्स लगता होगा लोग ये सर्च करते होंगे वो कीवर्ड्स आप यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद आप आगे आ जाओगे, अगले स्टेप पर आपको अपना ऐड बनाना होगा। ऐड मतलब ये जो गूगल पे दिख रहा होता है इस तरीके के हेडलाइंस वगैरह आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ऐड दिखने लगेगा, लेकिन ऐड के नीचे ये जो लिंक्स दिखते हैं इसके लिए आपको अगले स्टेप पर जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का। ऐड के नीचे जो लिंक्स आते हैं या कॉल का ऑप्शन आता है या लोकेशन का ऑप्शन आता है वो सब यहीं से ही दिया जाता है। तो अभी हम लोग एक्सटेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइट लिंक एक्सटेंशन। ऐसे ही कॉल आउट, कॉल और भी कई तरीके के एक्सटेंशन यहाँ पर हमारे ऐड में होती है। 4 एक्सटेंशन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बाकी बची हुई एक्सटेंशन को एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। एक्सटेंशन मतलब एक्स्ट्रा, आपके ऐड में और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आप दिखा सकते हो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ओके, सो साइटलिंग एक्सटेंशन पे आते हैं। मिनिमम 2 साइटलिंग एक्सटेंशन आपको देनी पड़ती है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब साइटलिंग एक्सटेंशन में पहले से कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको मैं इग्नोर करूंगा और न्यू साइटलिंग एक्सटेंशन बनाऊंगा। जैसे स्कूल के लिए मैं ऐड चला रहा हूं तो मैं कौन कौन से ऑप्शन दे सकता हूं। एक मैंने ऑप्शन दे दिया एडमिशन ओपन का, तो कोई भी वहां पे एडमिशन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकता है और आपको लिंक भी देना पड़ेगा अपने स्कूल की वेबसाइट का। लेट्स एडमिशन ओपन, आप चाहो तो यहाँ पे एक दो लाइन्स लिख भी सकते हो, बेस्ट स्कूल इन कानपुर। हाँ, ये भी लिख सकते हो, लेकिन वो दिखता नहीं ज़्यादातर टाइम। क्या होता है एक्सटेंशन का सिर्फ नाम दिखता है, या तो सेव मनी एंड रेंट हाउस दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ नाम दिखता है बस। ओके, सो पहली एक्सटेंशन होगी मेरी यहाँ पर साइटलिंक एक्सटेंशन 1। ऐसे ही आपको सेकेंड देनी होगी, फिर थर्ड देनी होगी, ऐसे ही मिनिमम 2 तो देनी होती है, बाकी 4-5 आप जितने देना चाहो। जैसे सेकेंड में मैंने दे दिया फी स्ट्रक्चर, तो कोई स्टूडेंट आएगा अपना या पेरेंट्स होंगे तो देखना चाहेंगे तो अपना फी स्ट्रक्चर वाले पे क्लिक करके देख सकते हैं, फी ऑफ क्लास 1-9 या जो भी आप देना चाहो चेक नाउ। और लिंक मैं दे देता हूँ अपने स्कूल की वेबसाइट का जहाँ पर फीस के बारे में लिखा हो। तो ये 2 दे दिया, ऐसे 3 और 4 आप एक्सटेंशन दे दोगे और आप इसको यहाँ पे कर लोगे सेव। साइटिंग एक्सटेंशन मैंने जैसा बताया कि आपके ऐड के जस्ट बिलो दिखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रीव्यू, तो इस तरीके से एक्सटेंशन ये आपके ऐड में नीचे साइड दिख रही होगी, लैपटॉप में ऐसे, मोबाइल में ऐसे, लैपटॉप में इस तरीके से। ओके, सो ये होती है हमारी साइट लिंक एक्सटेंशन। तो टोटल हमारी 5 एक्सटेंशन हो चुकी है, कॉल, कॉल आउट, ऐप, स्ट्रक्चर, स्निपेट और साइट लिंक। कॉल एक्सटेंशन में क्या होता है, फ़ोन नंबर दिया जाता है। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता था, आपके ऐड में ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है इसी के आगे एक दो लाइन्स और बढ़ जाती हैं, जैसे कि इनके वाले में देखो फाइंड बाय प्राइस एंड लोकेलिटी। कॉल आउट मतलब ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जिनको कॉल करने पर लोग एक्शन लें, एक्सप्लोर मैप एंड व्यू सेल, इसको बोलते हैं कॉल आउट। तो कॉल आउट एक्सटेंशन का मतलब होता है वो छोटे छोटे वर्ड्स आपको देने होते हैं और कुछ नहीं। आप खुद भी देखोगे कॉल आउट एक्सटेंशन में अप्लाई नाउ, एक्सक्लूसिव ऑफर, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, इस तरीके की छोटी छोटी लाइन्स आपको बस लिखनी होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया अवार्डेड स्कूल टेस्ट ऑफ 50 ईयर्स, तो बस आपको यही सब लिखते हुए वहाँ पर बढ़ते हुए चले जाना होता है। तो साइड लिंक, कॉल, कॉल आउट एक्सटेंशन और स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, वो भी आपके कॉल आउट की तरह डिस्क्रिप्शन के आगे आने लगता है। ऐप एक्सटेंशन ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, 3 एक्सटेंशन और बचे हुए, एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन है हमारी यहाँ पे प्रमोशन एक्सटेंशन। प्रमोशन एक्सटेंशन का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई ऑफर आपके यहाँ पे चल रहा हो तो आप ये प्रमोशन एक्सटेंशन चला सकते हो।
कोई ऑफर हो या कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा हो तो आप प्रमोशन एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। सो प्रमोशन एक्सटेंशन में यहाँ पे हम लोग आएंगे करेंसी में, जैसे मैंने ले लिया INR इंडियन करेंसी, और आपके यहाँ पे जैसे मान लेते मेरा 10% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज डिस्काउंट 10% ऑन एडमिशन इन रक्षाबंधन, या रक्षाबंधन नहीं भी लिखो क्योंकि लिमिटेड है वहाँ पर। अपनी वेबसाइट का लिंक आपको देना होगा, प्रमोशन का ऑप्शन कुछ मत दो, यहाँ पे जैसे कोई प्रोमो कोड देना चाहो तो वो दे सकते हो। एक ऑप्शन और आता था क्यों, हाँ ओकेजन का, तो ओकेजन वाले ऑप्शन में आप देखोगे कई सारे ओकेजन आपको दिखेंगे, जैसे इंडिपेंडेंस डे पे ऑफर मुझे चलाना है तो मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का ऑप्शन ले लिया और इसको मैंने कर लिया सेव। तो अभी इसका प्रीव्यू देखते हैं, ये देखो लिख करके आने लगेगा इंडिपेंडेंस डे 10% ऑफ ऑन एडमिशन। ओके सो दिस इज प्रमोशन एक्सटेंशन, गॉट इट। सो फिर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा प्रमोशन एक्सटेंशन क्या होता है। दो एक्सटेंशन और बची हुई हैं, एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एक्सटेंशन है प्राइस एक्सटेंशन और लास्ट एक्सटेंशन हमारी लीड एक्सटेंशन। लीड वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन तो आज तक आपने हो सकता है देखा ही ना हो कभी, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप यूज़ कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज यूज़ नहीं करती हैं। और इन सभी चीज़ों के आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कल संडे आपके पास टाइम रहेगा। दोनों ही एड्स की, गूगल एड्स की और यूट्यूब एड्स की आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रॉब्ली मंडे से चीज़ें और भी स्मूथ हो जाएंगी, तो जो क्लास हम लोग थोड़ा सा टाइम चला भी जाता है वो और सेव हो पाएगा। मोर एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस एक्सटेंशन के बारे में। ये एक्सटेंशन आपके ऐड के जस्ट नीचे आता है, आपका प्राइस बताता है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताना चाहो तो इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो। और प्राइस बताने में छोटे छोटे बॉक्स बन जाते हैं, आप स्क्रीन पर देखोगे इस तरीके से आपके ऐड में आने लगेगा, ये देखो। ये ऐड आपको यहाँ पर दिखा, इसमें जो ये जो प्राइस आ रहा है वीमेंस हेयर कट फ्रॉम $70, ये ऑप्शन यहाँ पर आपके आने लगेंगे। ओके हेलो, हाँ 5:30 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी प्राइस एक्सटेंशन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके सो प्राइस एक्सटेंशन में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आप चाहो तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बता सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास फर्स्ट का जो एडमिशन की फ़ीस है वो है ₹2000 एडमिशन फी, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास फिफ्थ तक सपोज, और अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो। फिर सेकेंड प्रोडक्ट पे, अब इसमें प्रॉब्लम ये मिनिमम 4 बताने पड़ते हैं, क्लास फिफ्थ टू क्लास नाइन्थ की जो फीस है वो ₹5000 है, और उसका लिंक दे दिया। तो ऐसे ही आपको 2, 3, 4 जितने भी बताना चाहे उतने आप बता सकते हो, मिनिमम 4 बताने ही पड़ते हैं, नहीं तो ये सेफ भी नहीं होता है। एटलीस्ट 3 बताने पड़ते हैं, पहले 4 था 3 हो गया है, तो एक मुझे और बताना पड़ेगा तभी ये मैं यूज़ कर पाऊँगा। ओके सो होपफुली आपको समझ में तो आई क्या होगा प्राइस एक्सटेंशन है क्या, आपके ऐड में जस्ट बिलो दिखने लगता है। अब लास्ट एक्सटेंशन में आते हैं जिसका नाम है लीड एक्सटेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन। बस 4 ही एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी 4, कॉल कॉल आउट साइड लिंक प्रमोशन और लीड, साइड लिंक कट गया। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन हैं। कॉल से आपका फ़ोन नंबर दिखता है, कॉल आउट से आपका ऐड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बढ़ जाता है, साइड लिंक से छोटे छोटे लिंक्स आने लगते हैं नीचे साइड, और लीड एक्सटेंशन में क्या होता है एक फॉर्म लगा होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा फॉर्म होता है, अगर दिख जाए तो। जैसे अभी इन लोग में से किसी का भी लीड एक्सटेंशन का ऐड नहीं चल रहा है, यहीं पर एक छोटा सा फॉर्म आता है, उस पर आप क्लिक करो तो फॉर्म फिल होने लगता है। ये देखो, इनके वाले ऐड को एक बेहतरीन ऐड आप कह सकते हो,
इसमें सभी एक्सटेंशंस का यूज़ किया गया और यहाँ पर देखो एक लीड ऐड भी लगा हुआ है। साइन अप क्लिक हियर लिखा हुआ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो फॉर्म आ गया, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी और ये सब आ गया, मैं सबमिट कर दूँगा, ये डिटेल उनके पास चली जाएगी। तो ऐड चलाने के लिए यही कोशिश होती है किसी तरीके से कस्टमर्स का नेम नंबर मिल जाए जिससे कि उसको हम लोग ऑफलाइन बुला सकें या इंक्वायरी के लिए बुला सकें। तो यही स्कूल से कोई भी बिजनेस हो, कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर लीड्स मिलनी चाहिए। तो लीड्स जनरेट करने का ये एक अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया, साइड लिंक्स एक्सटेंशंस की बजाय लीड एक्सटेंशंस। तो अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है। ओके, सो लीड एक्सटेंशन को यूज़ करने का प्रोसेस जो काफ़ी लॉन्ग है, आप इस पर क्लिक करो, लीड फॉर्म एक्सटेंशन पे जाइए और आपके सामने ये कुछ स्टेप्स आ जाएंगे, इनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये सारी डिटेल, ये सभी डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स, इस तरीके से आपका लीड ऐड बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पर लीड फॉर्म में जैसे हेडलाइन में मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंक्वायरी, बिजनेस का नाम मैंने लिख दिया रैंक कीवर्ड्स ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख दोगे जो कि आपके फॉर्म में दिखेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है रैंक कीवर्ड्स ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब फॉर्म में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, जैसे इनके वाले फॉर्म में तो काफ़ी सारी बातें ये पूछ रहे हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, पिन कोड। मैंने कहा नहीं, सिर्फ नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर पूछो बस। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ नेम पूछ लेना और फ़ोन नंबर पूछ लेना और ईमेल पूछ लेना। आप अगर अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा है अपनी तरफ से, जैसे मुझे जानना है कि आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्वेश्चन में मैं गया और मैंने सर्च किया क्लास, इसने कुछ और ले लिया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं क्लास में, लेकिन हाउ सून यू वुड यू अटेंड अ क्लास, ये ऑप्शन आ रहा है। जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो ये गूगल की एक प्रॉब्लम है कि आप अपनी तरफ से जो हाईली कस्टमाइज क्वेश्चन है वो यहाँ पर नहीं दे सकते हो। कोई बात नहीं, लिख कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से आपने अपने ऐड को सबसे पहले ऊपर की लाइन से वगैरह दी, फिर ये फॉर्म वगैरह दे दिया। अब आपको नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक देना है यहाँ पर, और एक बैकग्राउंड में आपको यहाँ पर इमेज लगा देना है। ऐड इमेज पे आप क्लिक करोगे और जैसे ये कुछ स्टूडेंट्स की इमेज है जो गूगल रिकमेंड कर रहा है, बाकी आप अपनी तरफ से भी इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो वो इमेज कहाँ पर दिखेगी, आपके फॉर्म के जस्ट बैकग्राउंड में। जैसे इनके बारे में देखें, दिख रही है कोई इमेज, इनके बारे में नहीं दिख रही है अभी तो फिलहाल, लेकिन दिखती है इमेज, लगाना पड़ेगा, फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो फॉर्म मेरा बन चुका है। अब इस फॉर्म को जैसे ही कोई सबमिट करेगा, सबमिशन मैसेज पे जाएंगे तो क्या लिख करके आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबमिशन मैसेज में लिख करके आएगा थैंक्स फॉर अप्लाइंग, या कुछ भी आप लिख दो यहाँ पर कि हाँ अप्लाई करने के लिए थैंक यू, आवर टीम विल कॉल यू बैक, या इस तरीके से गेट बैक टू यू सून, और लास्ट में अपनी वेबसाइट का यहाँ पर दे दो लिंक। तो इस तरीके से आपका ऐड क्रिएट हो जाता है। एक स्टेप और बचा हुआ है, वो ये है कि जो ऐड आपका चल रहा होगा, जैसे इनके ऐड में देखो बटन के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन अप क्लिक हियर, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, वो सबसे लास्ट में आता है यहाँ पर। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे वाले में साइन अप ना लिखा हो, मेरे वाले में लिखा हो कॉन्टेक्ट अस या फिर अप्लाई नाउ। तो जो मेरा ऐड चलेगा उस ऐड में नीचे साइड क्या लिखा होगा, अप्लाई नाउ, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट में जैसे मैं लिख देता हूँ अप्लाई नाउ के बाद डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये यहाँ पर डन हो जाएगा और इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर सेव। सो दिस इज़ द वे। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर लीड एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। तो टोटल 8 एक्सटेंशन थी, होपफुली आपको लीड एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। लीड एक्सटेंशन बनाते टाइम पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा,
फिर फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे वो बताना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का लिंक देना होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या दिखेगा, थैंक यू फॉर अप्लाई, वी विल कॉल बैक, वो देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में जो ऐड होगा उसमें क्या लिखा होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब आप बता करके अपना लीड ऐड कंप्लीट कर लोगे। तो ये थी हमारी टोटल ऐड एक्सटेंशंस, होपफुली ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आज की क्लास में उन्होंने तीन बातें डिस्कस की, पहला यूट्यूब पर ऐड कैसे आपको बनाना है, दूसरा अलग अलग रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, और तीसरा ऐड एक्सटेंशंस क्या है। डन, ठीक है, इतनी सारी बातों में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग हाँ जब ट्राई करोगे तब आपके पास और भी डाउट्स आएंगे। यूट्यूब ऐड जरूर बनाइएगा, तीन स्टेप आपको फॉलो करना है, फिर ये रिपोर्ट चेक करिएगा क्या क्या होती है, और फिर आप ये ऐड एक्सटेंशन भी ट्राई कर सकते हो। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन या ये CTA जो वर्ड है आप अक्सर सुनोगे डिजिटल मार्केटिंग में, इसका मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनको सुन करके लोग क्लिक करें या एक्शन लें, जैसे कि अप्लाई नाउ, बाय नाउ, गेट नाउ, रिजर्व नाउ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। एक एग्जांपल से और इस बात को समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी जैसे यहाँ पर कोई ऐड नहीं आ रहा है, जिस बात को मैं बताना चाह रहा था वो यहाँ पर भी दिख नहीं रहा है। वो चीज़ अभी मुझे दिख रही है, मैं बाद में आपको चलो बता दूंगा। ऑल राइट, सो यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम लोग टॉपिक में नेक्स्ट आते हैं, यूट्यूब में ऐड बनाना, रिपोर्ट चेक करना और ऐड एक्सटेंशंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर, जैसे अभी मैंने गूगल पे सर्च किया था बेस्ट स्कूल या इस तरीके से कोई कीवर्ड, तो आप देखते हो कई सारे ऐड आ जाते हैं। जैसे अभी तो ऐड नहीं आया, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 ऐड आ रहे हैं, करेक्ट। और इसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ तो नहीं दिख रहे, तो एक दो ऐड नीचे भी आते हैं। जैसे मैं कीवर्ड अगर चेंज करूँ, बेस्ट डेंटिस्ट इन नोएडा, जावा ट्रेनिंग स्टूडियो नोएडा, ये देखो 1, 2, 3, 4 ऐड यहाँ पर आ रहे हैं, और 1, 2 ऐड्स यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल 6 ऐड एक पेज पर आ रहे हैं। कभी कभी तो 4 ऊपर आते हैं, 4 नीचे आते हैं, 8 ऐड आने लगते हैं। अब क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है आप डिस्कस समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे जो ऐड ऊपर आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली लोग उन्हीं में क्लिक कर देते होंगे, तो आप समझ रहे हो ना, तो ये ऐड ऊपर क्यों आ रहे हैं? कोई कंपनी अपने का जानबूझ के ऐड नीचे चलाती होगी? हाँ, जिनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा होता होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा रुपए भी देते हों। ऑब्वियसली बात, ज़्यादा रुपए देगा उसके ज़्यादा जल्दी ऊपर ऐड आएंगे। तो कोई भी ऐड ऊपर या नीचे क्यों आता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है।
अगला टॉपिक आप डाल सकते हैं ऐड रैंक या ऐड पोजीशन। आपका काम सिर्फ ऐड बनाना नहीं होगा, कंपनी आपसे ये भी बोलेगी कि यार हमारा ऐड तो नीचे आता है, इसको ऊपर लेकर के आओ, तो वो ऊपर कैसे आएगा वो आप समझेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज देंगे, बाकी इसको टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे मंडे को। तो कोई भी ऐड ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इस बात का डिसीजन दो बातों से होता है। पहला, वो कंपनी उस ऐड के लिए कितने रुपए दे सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोली लगाना या फिर बिडिंग करना। जैसे IPL में बिडिंग होती है ना कि इस ये प्लेयर इतने का, वो प्लेयर इतने का, वैसे ही जो कंपनी ज़्यादा रुपए देती है उसका ऐड ऊपर आता है, जो कंपनी कम रुपए देती है उसका ऐड नीचे आता है। लेकिन सिर्फ रुपए देने से बात नहीं बनती है, आपके ऐड की ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि लोग आपके ऐड को क्लिक करें और पसंद करें। जैसे मान लेते हैं मैंने सर्च किया बेस्ट स्कूल इन नोएडा, तो क्या कभी यहाँ पर जियो का ऐड या पतंजलि का ऐड आ सकता है, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा रुपए दे सकते हैं, उनको तो रुपए की प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर ऐड सिर्फ और सिर्फ उसी का आएगा जिसका वो बिजनेस होगा। तो गूगल ये भी देखता है कि ऐड में क्वालिटी भी आपकी सही होनी चाहिए, ये नहीं कि बिजनेस आपका किसी और चीज़ का, ऐड आप किसी और का चला रहे हो। तो ऐड आपका ऊपर आ गया या नीचे आ गया, दो बातों पर डिपेंड करता है, बिडिंग और क्वालिटी स्कोर। ये क्वालिटी स्कोर नंबर दिए जाते हैं 1 से 10 तक, जिसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं वो ज़्यादा जल्दी ऊपर आता है, जिसको कम नंबर मिलते हैं वो नीचे आता है। ओके, बस लास्ट टॉपिक। अब ये जो क्वालिटी होती है किसी भी ऐड की, वो कैसे डिसाइड होती है, कौन सा ऐड अच्छा है या कौन सा ऐड ख़राब है, कैसे डिसाइड होगा? अगेन ये तीन बातों से डिसाइड होता है। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ से इंस्टीट्यूट से बाहर निकले और मोमोज़ की यहाँ पे कई सारी शॉप हैं, आप मान लेते हैं पहली बार यहाँ पर आए, तो कौन सी मोमोज़ की शॉप अच्छी है आप कैसे डिसाइड करोगे? हाँ, जहाँ पे ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे, चाहे भले वो ख़राब ही क्यों ना हो, वही गूगल में भी होता है। जिस ऐड में ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं गूगल उसी ऐड को अच्छा मानता है। इस चीज़ को CTR बोलते हैं, जिसका CTR ज़्यादा होगा। CTR भी मैंने पढ़ाया था ना, क्लिक थ्रो रेट, कि किस ऐड पे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, कितने परसेंट क्लिक हो रहे हैं। तो अगर आपके ऐड पे ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे तो गूगल आपके ऐड को ज़्यादा अच्छा मानेगा। लेकिन सिर्फ क्लिक से बात नहीं बनती है। मान लेते आपको लगा भीड़ ज़्यादा है, आप वहाँ चले गए, खाया भी आपने, उसके बाद आपको बेकार लगा, तो वही गूगल का भी कहना है कि क्लिक के बाद गूगल ये भी देखता है कि क्लिक करने के बाद वो जो पेज ओपन हुआ वो कैसा था। मान लेते किसी की वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, उसने क्लिक तो किया मैंने इस ऐड पर और वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही है, तो क्या होगा, वो ऐड अच्छा ऐड नहीं माना जाएगा। तो दो फैक्टर्स हो गए, कौन कौन से, पहला आपके ऐड में कितने क्लिक्स हो रहे हैं, दूसरा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, और तीसरा तीसरा फैक्टर होगा यहाँ पर कि आपके ऐड की रिलेवेंसी क्या है। रिलेवेंसी का मतलब होता है कि जिस टॉपिक पर आप ऐड चला रहे हो वही कीवर्ड्स आपने दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। जैसे मैंने स्कूल पे चलाया और मेरा ये स्कूल है या नहीं गूगल ये भी चेक करता है। ओके, तो ये तीन बातें होती हैं जिनसे आपकी ऐड की क्वालिटी डिसाइड होती है। ये बात ज़रूर नोट कर लो, किसी भी गूगल ऐड के इंटरव्यू में ये बात ज़रूर पूछी जाती है कि ऐड का क्वालिटी स्कोर क्या होता है और वो कैसे डिसाइड होती है। और इन तीनों फैक्टर्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका क्वालिटी स्कोर। सॉरी, क्वालिटी स्कोर में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका कुछ नहीं, CTR। फिफ्टी परसेंट बहुत हाई होता है, मुश्किल से 8-10%, 20% तक ही होता है। 50% तो फिर तो उसका ऐड ऊपर ही रहेगा। क्लिक करते नहीं ना आप ही लोगों, क्या सभी ऐड पे क्लिक करते होगे? बिल्कुल नहीं करते होगे। और लाइट सो इसके आगे फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं, तो आज ज़्यादा बातें हो जाएंगी। अब आपको करना क्या, तीन काम करने, पहला यूट्यूब वाला ऐड बनाना है, दूसरा ऐड में क्या क्या रिपोर्ट्स है वो चेक करना है, और तीसरा आपको ऐड एक्सटेंशन का यूज़ करना है।
कल संडे का टाइम, आराम से प्रैक्टिस कर लो, मंडे को हम लोग और डिटेल में और एडवांस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो मैं अभी शेयर कर दूँगा।